What an entry. Ducks, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या पहन रखा है. तो ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है जो देता है आपको सलोन के झंझटों से छुटकारा. बाय द वे हिमांशु, तुम्हें पता है हिंदुस्तान की हर लड़की का लव हेट रिलेशनशिप किसके साथ है? उसके बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं, पार्लर वाली आंटी के साथ. तुम्हारे ब्लैकहेड्स बहुत हैं, तुम्हारे फेशियल की जरूरत है. मैम बहुत हेयर ग्रोथ में आए हो इस बार. अरे नहीं सुनने हमें तुम्हारे ये ताने. ना तो है इतना टाइम और ना है रेगुलर सलोन सर्विसेज करवाने के लिए बजट. इन्हीं झंझटों से छुटकारा पाने के लिए लेके आए हैं हम विंस्टन. मैं हूँ हिमांशु. और मैं हूँ निकिता. हम आए हैं फरीदाबाद से और हम हैं कंपनी के को-फाउंडर्स. चार्ल्स, विंस्टन बनाता है ऐसे ब्यूटी अप्लायंसेस जो आप घर पे यूज कर सकते हैं और देते हैं आपको सैलून वाले रिजल्ट्स. और इसको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं 3S स्ट्रेटजी, स्मार्ट, स्टर्डी एंड सुपर इजी. फिलहाल हमारी रेंज में 8 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस ट्रिमर, आईब्रो ट्रिमर, ब्लैक हेड रिमूवर, LED फेस मास्क. और हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी खुद की वेबसाइट एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon एंड नायका पर. ये एक ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसको आप सालों तक यूज कर सकते हैं. इसी विजन को पूरा करने के लिए हम आज आपके पास आए हैं विद अ आस्क ऑफ 1 CR इन द एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी. हिमांशु, निकिता, वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, वेरी यूनिक. आप दोनों की कुछ बताओ, आप अपने बारे में, आइडिया कैसे आया और किसे आया? कॉलेज के बाद मुझे पता था आई एम गोइंग टू डेफिनेटली डू बिजनेस. और इमीडिएटली लाइक 1 ईयर के स्पैन के अंदर ही मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा, जिसमें मैं इंस्टाग्राम पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल कर रही थी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है. मेरे डैड का कुछ और बिजनेस था, बट क्योंकि इंस्टाग्राम वाला बिजनेस काफी एक्सपैंड हो चुका था, तो मैंने उनको कन्विंस करा कि एक्चुअली दिस इज द ओनली बिजनेस जो आपको करना चाहिए. एंड इतनी कन्विंसिंग के बाद अब दिस इज आवर फैमिली बिजनेस और हम यही अपना स्किन केयर ब्रांड करते हैं. वो भी विंस्टन करते हैं. जो मैंने बिजनेस शादी से पहले स्टार्ट करा वो स्किन केयर ब्रांड था मिलाग्रो ब्यूटी के नाम से. अच्छा. अब हम हिमांशु की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्टीज के साथ और मेरे D2C की एक्सपर्टीज के साथ हम कर रहे हैं विंस्टन. मेरा फैमिली बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स का. अच्छा. मेरे डैड का जो बिजनेस है LG, फिलिप्स इन सबकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो मैंने उनके साथ काम करा तो मेरा उनकी लर्निंग्स मुझे मिली 3-4 साल की. अच्छा. तो फिर जब हमारी शादी हुई उसके 1 महीने बाद ही कुमारा बेबी विंस्टन हुआ. तुम्हारा भी जो ओरिजिनल बिजनेस था बंद करा के नया शुरू, वो डैड वहां से तुमको निकाल लिया. वो इंटेंशन इसकी यही है. तो ये ट्रेवल मेकर है, ये सीरियल एंटरप्रेन्योर हो गई. हां जी, हां जी. और आप मिले कैसे थे? हम अरेंज मैरिज. अरे वाह, इट्स रेयर दीस डेज. यस. Why this particular category? क्योंकि हर रोज कोई नई ना नई प्रोडक्ट कम्स आउट. तो जैसे मैंने आपको बताया पहले मैं इंटरनेशनल ब्रांड सेल कर रही थी और मैरिज के बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट जो हमारे उस पेज पे आ रहा था वो था फेस ट्रिमर. सो बेसिकली तभी हमें ये आइडिया आया कि हम इसी प्रोडक्ट में अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते. ये सारे प्रोडक्ट्स आप खुद बनाते हैं, डिजाइन करते हैं कि ये इंपोर्ट करके ब्रांड छापा इसके? ये सर लेमन लैंग्वेज के अंदर ये इंपोर्ट करके हम चाइना में बनते हैं, चाइना के अंदर बनते हैं क्योंकि हमने ट्राई क्योंकि करा. मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाला था डिजाइन के ऊपर. आपने कहा कि आपका 3S मॉडल है, मैं समझता हूँ 4S है, आप सेक्सी भूल गए. दे आर वेरी सजेस्टिव एंड वेरी वेल डिजाइंड प्रोडक्ट्स. कैन वी प्लीज? हाँ जी, हाँ जी. What is this? This is, ma'am, the LED therapy mask. This is what I want to try. Sir, ye, I would like you to try this. So, ye ghar pe pedicure. Ye, this is face trimmer and this is eyebrow trimmer. Wow. तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए. तो मैम ब्लू कलर होता है जिससे आपके स्किन काम और स्मूथ रहती है. आपको अगर कोई एक्ने है, कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो काम डाउन हो जाता है. Orange light is basically detoxification के लिए और आपकी skin brightening के लिए. Next light is red,
दिस इज फॉर एंटी एजिंग एंड कोलेजन प्रोडक्शन। तो आप ये प्रोडक्ट इंडिविजुअली भी पहन सकते हैं या आपने कोई सीरम या शीट मास्क लगा रखा है आप उसके ऊपर भी ये लगा सकते हैं ताकि प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन काफी डीप हो। Does it feel anything? No. प्राइस क्या है, आप ट्रिमर कितने का बेचते हैं, वो फेशियल क्लेंजर कितने का बेचते हैं? जो फेस क्लेंजर है हमारे दो है मैम, एक 2090 का है एक 2990 का है। जो हमारा फेस और आईब्रो ट्रिमर है वो 2490 का है। 2490 फॉर अ ट्रिमर, इजंट इट टू हाई, क्योंकि भरे पड़े हैं 500 रुपए वाले ट्रिमर मांग। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बैटरी से, मतलब जो वो सेल से नहीं चलता, इनबिल्ट बैटरी है इसके अंदर और ये ट्रैवल फ्रेंडली है। यूएसबी चार्जिंग, जी यूएसबी चार्जिंग के साथ है। ओह नाइस। एक साल की रिप्लेसमेंट वारंटी हम देते हैं और वो भी डोरस्टेप सर्विस, ये नहीं कि आप सर्विस सेंटर। एंड ये कितनी बार, बिकॉज़ ये सारे प्रोडक्ट्स में सबसे प्रॉब्लम ये होती है खराब हो जाते हैं विद इन 3 मंथ्स। हमारा खाली जो कंप्लेंट रेट आया है वो 0.5% से भी कम आया। आपके वहां पे कितनी फैक्ट्रीज है चाइना में? हमारे दो ही वेंडर्स। पावर ऑफ द वेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर कोई वेंडर से लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, तो वेंडर किसी और को दे दे, सेम चीज सस्ते में ले आए, कोई फंडेड कंपनी आ जाए, तो आपको डर नहीं लगता इससे? डरना क्या है, ब्रांड बना रहे हैं सर। वेल डन। आपको कोई रिलेटेबिलिटी आ रही है हमारे बिजनेस में और आपके बिजनेस को? सेम स्टोरी। मेरे को लग रहा है कि मैं खड़ा होकर वहां पे इन्वेस्टर्स को पिच कर रहा हूं क्योंकि मैंने सेम चीज करी है। तो मेरे भी पापा का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था। फिर लोगों ने बहुत सिमिलैरिटी है। आप कंपटीशन से कितना लड़ सकते हो और कहां तक लड़ सकते हो, आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी कि ना हम लड़ लेंगे। ब्रांड सिर्फ अपने प्रोडक्ट से नहीं बनता, अगर आपको ब्रांड बनाना है तो उसके लिए प्रोडक्ट, उसके लिए जो आप अपनी टीम बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग, आप कस्टमर्स के साथ क्या रिलेशन बना रहे हैं, बिल्कुल आप आफ्टर सेल सर्विसेज क्या दे रहे हैं, आप कस्टमर्स को रिटेन कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिला के एक ब्रांड बनता है। तो आपके नंबर्स क्या हैं अभी? अभी हमने लास्ट ईयर 1 crore 20 lakhs करा था। okay. yes, और इस साल हम जुलाई तक 150 कर चुके हैं और इस साल हम 6 क्लॉक करेंगे। आपका ट्रिमर कितना परसेंटेज है बिजनेस का? 23% फेस एंड 23% आईब्रो, सो टोटल 46%। और एनी अदर प्रोडक्ट दैट इज मोर देन 10%? कैलस रिमूवर, दैट इज 20%। बाकी कितने एसकेयू है हमारे? टोटल 8 एसकेयू। 8 से 50 तो नहीं कर रहे उसमें? एक दो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम आईब्रो और फेस दोनों को कॉम्बो देंगे। चलो 10 कर दोगे आप, लेकिन इंडिया में करोगे तो 8-10 ही रखोगे। इसी के साथ ही हम चाहते हैं कि इसको हम एक बड़े लेवल का ब्रांड बनाएं। 8-10 एसकेयू के साथ कहां तक पहुंचोगे? हमारा जो प्लान है 10 एसकेयू के साथ, इस साल हम 6 ईयर करना चाह रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं इसको हम 3x पे लेके जाएं। 18 करो। मेरे दो प्रॉब्लम्स है इस बिजनेस के साथ। मैं कोई भी ऐसे ट्रेडेड चाइनीज प्रोडक्ट जिसका ब्रांड विजिबल नहीं है, बड़ा बना नहीं है, मैं पर्सनली यूज नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। सेकेंड, ये जो आपका मैंने पहना अभी, मुझे काफी गिमिकी लगा बिकॉज बस एक लाइट से सडनली डिटॉक्स भी हो रहा है, एंटी एजिंग भी हो रहा है, कोलाजन भी हो रहा है, मुझे गिमिकी लगा। 6 crore एक जोक नहीं है, मजाक नहीं है टू मेक आउट ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस, राइट? बट मुझे इस बिजनेस में और इस जर्नी में इतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है और उसके वजह से आई एम आउट। पर मैं आपको रिमाइंड करूंगी, 6 crore आपका प्रोजेक्शन है जी। आपने अभी 1.5 crore किया है, करेक्ट? जी जी। अगस्त में क्या सेल्स? पूरे महीने में हमारा जो इस महीने का टारगेट है वो है 46-47 lakhs का। सेल्स है कि नेट रेवेन्यू? ये आपका एमआरपी सेल्स है। एमआरपी में यूनिट इकोनॉमिक्स अगर आपको चाहिए तो वो भी बताइए ना ऊपर से। अगर मैं जुलाई की बात करूं, हमने जो अपनी एमआरपी सेल्स करी वो थी हमारी 42 lakhs, ठीक है? जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट था वो था 30%, उसके बाद जो हमने डिस्काउंट दिया तो 30 वो चला, ठीक है? 30% के बाद 15% हमारा मार्केटिंग स्पेंड, ओके? ये हमारा टोटल आ जाता है 75%। 75% के बाद हमारा 5% आता है सैलरी और एक्सपेंसेस, ये हमारा 80% हो जाता है। ये 20% में से हम फिर जो भी ओवरऑल आता है उसमें से GST माइनस करते हैं। नहीं यार, GST टॉप लाइन पे देते हैं, प्रॉफिट पे नहीं। एक्चुअली आप कैश सेल तो नहीं दिखाते? नहीं नहीं, हम जो सेल करते हैं, जो हम बिल बनाते हैं, उसका जितना नेट रेवेन्यू होता है उसके ऊपर हम GST देते हैं। हाँ जी। राइट, तो उसके अंदर से GST हम इसमें से माइनस कर लेते हैं उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। भाई साहब,
प्रोडक्ट कॉस्ट जीएसटी ऐड करके हिमांशु ने बताया। मैंने बताया आपको। मैं एक बार एकदम साफ साफ कह देता हूँ, अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट कम्प्लीटली जा रहा है इसमें से। I was very excited about the category. आप नेट प्रॉफिट में से जीएसटी लगा रहे हैं। I've never understood what kind of concept is that, my friend. बेसिकली इसमें क्या है, हम जो भी कॉस्ट आपको परसेंटेज की बता रहे हैं ना, सब में जीएसटी इंक्लूडेड है। अरे यार सीधा साधा हिसाब बताना, जीएसटी सबसे पहले ऊपर से निकलता है यार, नीचे से थोड़ी निकलता है। खिलवाड़ कर रहे हो यार तुम। लास्ट में आपके पास जुलाई में कितना पैसा बचा घर में? 3,44,000 समथिंग। चलो मैंने अपना डिसीजन बना लिया, आई विल कंक्लूड दिस। यूनिट इकोनॉमिक्स में थोड़ा काम करना पड़ेगा। आई थिंक अमन could be a good partner for you in this business, क्योंकि ये tough category है. You need a partner जो आपकी मदद करेगा इसमें margin expansion में. तो इसलिए मैं बाहर हूँ. Thank you. I know we got into the business, but एक बात अभी भी मेरे दिमाग में चल रही है. How did you end up in an arranged marriage? मेरी दिलचस्पी है. हमारा पंजाबियों में ना एक हमारा mediator है, तो उसने family में ना बहुत कराई है. अच्छा। तो मेरे को बिना बताए मेरा नाम चला गया। अच्छा। तो इनकी पिक्चर आई थी मेरे पास, तो ऑब्वियसली अच्छी लगी, तो मैंने कहा हाँ मिलते हैं, बट ये था कि एक बार लव योर ऑनेस्टी। उसके बाद फिर इनके लिए मैं पहला था। यस, फॉर मी ही वाज द फर्स्ट गाय। मेरे लिए 7th 8th और इनकी फोटो पसंद आ गई आपको? मैंने फोटो भी नहीं देखी थी, बट जो वो मीडिएटर हमारे घर पे आए थे, ही वाज सो इन्फ्लुएंसिंग कि एक बार जाके मिलो। एंड मेरे पेरेंट्स ने बोला कि गो हैव अ टेस्ट, कि मतलब होता क्या है अरेंज मैरिज, कि मतलब क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। आई वाज सो कि अरेंज मैरिज में पूछना क्या है, लाइक। तो ये एक्सपीरियंस लेने आई थी। मैंने मीटिंग के बाद सबसे पहले मीडिएटर के पास गया, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, और इसकी आईडी ब्लॉक करा के नीचे लिखवा दिया नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज। तो दिस एक्चुअली हैपेंड, ये मतलब कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। मीडिएटर का बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोनों। जितना ऑनेस्टी से आप जवाब दे रहे हैं ना, दिस टेल्स अ लॉट अबाउट कैरेक्टर, द एंटरप्रेन्योर कैरेक्टर, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक यू विल डू वेरी वेल। चलो हम आपको एक डील ऑफर करते हैं। विनीता एंड आई इंटरेस्टेड, वी विल ऑफर यू द 1 crore, लेकिन ये 25 करोड़ के वैल्यूएशन पे नहीं होगा। We will give you a fair valuation, जो आज के मार्केट में, and that is 10 crores. Okay. तो आपको 10% of your company is what it will cost. यार पहले तो तुम दोनों ना सुपर एंटरप्रेन्योर्स हो, ठीक है? मेरे तो बहुत रिलेटेबिलिटी लग रही है तुम लोगों के साथ। फाइनेंस वगैरह छोटी चीजें, शार्क के सामने थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, but you know the finance part also. मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ब्रांड है विच विल बी अ कंपीटिंग बिजनेस। आई एम आउट फॉर नाउ बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट इट्स वेरी रेयर दैट आई विश अ कॉम्पिटिटर टू डू वेल। सो ऑल द बेस्ट, आई एम आउट। ऑफर एक ही आपके पास, हम 2 मिनट ले सकते हैं। हाँ जी, ज्यादा ज्यादा टाइम मत लेना, लेकिन यहाँ पे एक मिनट। वेल डन, उन्होंने कह दिया 1 मिनट, तो 1 मिनट। यू कांट डू इट ना, बोर्ड। आई एम डूइंग मिसफिट इन बोर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो मिसफिट बाय बोर्ड। सुशाक्स, डील पक्की। ऑलराइट, लेकिन 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 अब एक कंडीशन हमारी, ये डील डांस के साथ। अरे तो म्यूजिक प्लीज। वो नचो सारे जी फाड़ के, सो 6 करोड़ करना है इस साल। डेफिनेटली वो नचो सारे जी फाड़ के। For
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.